टेंपल सिटी शिवरी नारायण में प्रेम मंदिर के तर्ज पर बना भव्य दुर्गा पंडाल। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण मेला ग्राउंड में इस नवरात्रि माँ दुर्गा के भव्य पंडाल बनाए गए हैं, जो वृंदावन के प्रेम मंदिर के तर्ज पर बना है, जो आकर्षण का केंद्र बन चुका है, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु का भीड़ जुट रहे हैं। इस पंडाल को वृंदावन के प्रेम मंदिर के हूबहू डिजाइन किया गया है और बहुत ही सुंदर लाइटिंग किया गया है। वहीं माँ दुर्गा की प्रतिमा की ऊंचाई 35 फीट है और साथ में लक्ष्मी मैया और सरस्वती मैया भी विराजी है। वहीं इस बार शिवरी नारायण के मेला ग्राउंड में नवरात्रि पर्व पर भव्य मेला का आयोजन हुआ है। इस मेले में सभी प्रकार के झूला लगाए गए हैं, बहुत सारे दुकान सजाए गए हैं और इस बार मेला में अलग अलग प्रकार के मछली के साथ साथ जल परी भी देखने को मिलेगा, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रहा है। वहीं हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को घर बैठे माँ दुर्गा के दर्शन करा रहे हैं। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ शिवरी नारायण में और यहाँ पर जो है शिवरी नारायण में एक भव्य पंडाल बना है माँ दुर्गा का, जो मथुरा के प्रेम मंदिर के तर्ज पर बना है। यहाँ पर जो है भैया मेला समिति वाले हैं, भैया जी से बातचीत करते हैं। भैया, कैसे टाइप के मंदिर बने हुए हैं? आप सभी को नमस्कार, आप आए हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये शिवरी नारायण के मेला ग्राउंड में माँ सबरी की इस पुण्यधारा में ये द्वितीय वर्ष से यह माँ दुर्गा का भव्य कार्यक्रम हो रहा है शिवरी नारायण में। इस बार वृंदावन के प्रेम मंदिर के तर्ज पर यह भव्य पंडाल सजाया गया है, जिसमें माँ दुर्गा की मूर्ति 32 फीट ऊंची है और प्रेम मंदिर की पूरी हूबहू कॉपी आपको सामने में नज़र आ रही है। भैया, ये जो प्रेम मंदिर जो आप लोग बनाए हो यहाँ पे, बहुत ही सुंदर है, प्यारा है, जैसे देखने के लिए जो है दूर दूर से भी आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से लगभग आ रहे हैं आप? भैया, जैसे लोगों से अभी पता चला है कि आज सुबेरे से बिलासपुर से आगे मुंगेली गांव के आसपास के लोग यहाँ आकर के इंतज़ार कर रहे थे। हम उम्मीद नहीं किए थे कि इतने दूर से भी आएंगे, लगभग 100 किलोमीटर के रेडियस से यहाँ लोग आ रहे हैं। सबका स्वागत है, जो माता रानी के दरबार में श्रद्धा से आ रहे हैं, हम सबका स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि ये बढ़िया कार्यक्रम सब के सब आकर के अपने परिवार सहित देखें। यहाँ शिवरी नारायण में माता रानी के दरबार के साथ ही एक भव्य मेला का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे झूले और अच्छे अच्छे कलाकृतियाँ दिखाई देगी आपको। ऊंचाई कितना है, चौड़ाई कितना है भैया? ये लगभग 140 फीट ऊँचा प्रेम मंदिर का
डिजाइन बना हुआ है, 200 फीट माँ का पंडाल है लंबा और लगभग 105 फीट चौड़ाई है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए और कुछ क्या क्या सीसीटीवी कैमरा या पुलिस बल की तैनात? भैया हमारे द्वारा 35 सीसीटीवी कैमरा कमेटी के द्वारा लगाया गया है, कमेटी के द्वारा निजी बाउंसर रखे गए हैं, हमारे को जिला प्रशासन की ओर से भी पुलिस बल मुहैया कराई गई है जिसमें महिला कांस्टेबल, पुरुष कांस्टेबल और हमारे सिवरीहंड थाना के TI महोदय के द्वारा भी विशेष रूप से रुचि लेते हुए इसमें गश्त के लिए व्यवस्था की गई है और हम तहे दिल से उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पुलिस की व्यवस्था हमारे मुहैया कराई है इस बार। भैया यहाँ पे जैसे कई लोग हम लोग देखे हैं कि दुर्गा पंडाल हो या गणेश चतुर्थी बड़े बड़े पंडाल लगता है वहाँ पर जो है कई लोग शुल्क भी लेते हैं, यहाँ पर ऐसे कुछ शुल्क वा थोड़ी ले रहे हो आप लोग? भैया यहाँ बिल्कुल निःशुल्क है, कोई दर्शन के लिए आपको 1 रुपये देने की दरकार नहीं है। माता रानी के दरबार में आप बिना शुल्क के स्वेच्छा से आइए, आपसे कोई 1 रुपये चंदा नहीं ले रहा है। तो ये थे भैया जो मेला समिति का है जो बताए हैं कि जो सूर्यनारायण पावन धरती पे यहाँ पर जो है एक भव्य जो है पंडाल बना है प्रेम मंदिर के तर्ज पर, और वो सबके बारे से हम लोगों को बताए हैं। यहाँ पर जो है कुछ श्रद्धालु आए हैं, उन लोगों से भी हम लोग जो है चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो भैया जो है अभी दर्शन करके आए, होकर से बातचीत करते हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप? हम तो यहीं रहते हैं भाई, सूर्यनारायण से। कैसा लगा यहाँ पर जो है? 2 साल हो गया, बहुत ही बेहतर, बहुत अच्छा है भैया, बहुत ही है। दर्शन किए आप? हाँ ठीक है, अच्छा लगा ना आपको? हाँ बहुत ही अच्छा। हाँ यहाँ पर जो है मेला भी है? हाँ गए थे क्या मेला में? हाँ हाँ गए। अभी झूला चालू नहीं हुआ है? झूला चालू नहीं हुआ है। हाँ बहुत अच्छा लगा है। कोटियाडी गाँव से आए हैं? कोटियाडी गाँव से। यहाँ पर जो है मस्त भव्य पंडाल बना है प्रेम मंदिर के तरह, जब कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेरा पहली बार है देख रहा हूँ तो काफी अच्छा लग रहा है ना। बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शन हो गया आप लोगों का? हाँ दर्शन हो गया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ व्यवस्था कमी हो नजर आ रहा है आप लोगों को या कुछ समस्या? अभी तो पूरी तरीके से घूमे नहीं है, पूरी तरीके से घूमने के बाद में पता चलेगा क्या कमी है क्या नहीं है, बाकी अब जितना है काफी अच्छा है ना। जो पंडाल यहाँ पर जो मेला भी लग रहा है, उधर गए थे कि नहीं गए? कभी चालू हुआ है? नहीं हुआ है चालू, अभी नहीं हुआ है ना, चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना। अच्छा मेला अभी जैसे चालू होगा तो और आने का संभावना है आप लोगों का? जरूर आएंगे, हमारा तो पास में ही है घर, तो आने का जरूर संभावना है। कहाँ से आए हो अंकल आप? हाँ केसला से। कनजदा केसला। यहाँ पर जो है भव्य पंडाल बना है प्रेम मंदिर के तरह, जब कैसे लग रहा है आप लोग? आज मस्त लग रहे हैं। अंदर गए थे दर्शन? नहीं गए थे, नहीं गए थे। अच्छा यहाँ पर जो है 2 साल हो गए, बहुत ही बेहतरीन जो है पंडाल लगा है, यहाँ पर मेला भी लग रहा है, मस्त लग रहा है। कितना लोग आए हो यहाँ पे? यहाँ हम 5-6 लोग आए हैं। अच्छा किसमें आए हो आप लोग? मार्शल से। मार्शल से देख सकते हैं दोस्तों, बहुत दूर दूर से जो है आ रहे हैं और यहाँ पे भैया लोग मार्शल बुक करके आए यहाँ पर। कहाँ से आए आप? मन यहाँ के अंजी, यही सूर्यनारायण से। 2 साल हो गए, बहुत ही अच्छा जो है पंडाल बना थे माता दुर्गा के, कैसा लगा था आपको? अरे वाला वहाँ बहुत अच्छा लगा था। बहुत दूर दूर से आते हैं आप यहाँ दर्शन करे पर? यहाँ तो हर महीना हर साल उड़ीसा सब तरफ से आते। अच्छा तो आप मन अभी जो है अंदर गए रहो माता रानी के दर्शन करे होगा? नहीं अंदर नहीं गए, अभी जाओ। अभी जाओ। कौन कौन आया है? लड़का मन भी दिखा जो है यहाँ पे? घर वाली है, उम्र बहुरिया है, देवा है, उम्र बेटी है, उम्र बेटा है, बदली बच्चा कर सब करता है। सब लड़का वहाँ मतलब लेके आए हैं आप अपना दर्शन करवाए पर, तो देख सकते हो पूरा फैमिली जो है भैया मन आए हुआ दर्शन करे पर। बहुत ही सुंदर जो है यहाँ पे जो है प्रेम मंदिर के तर्ज पे जो है पंडाल बनाए गए हुए, और भी हम यहाँ आए हैं उमन से भी बातचीत करते हैं। कहाँ से आए भैया? बिलाईगढ़ ब्लॉक से। बिलाईगढ़ ब्लॉक से आए हैं, फैमिली लेके आए होंगे? जी जी जी। कैसा लग रहा है दर्शन वहाँ किए हो कि नहीं किए हो? बहुत अच्छा लग रहा है, दर्शन किए हैं लेकिन और अंदर इंटर नहीं किए हैं अभी। अच्छा। और हमेशा से पॉपुलर है सूर्यनारायण जो है। बहुत ही सुंदर यहाँ पे जो है पंडाल बनाया गया है, बहुत अच्छा है। और कुछ कहना चाहोगे दर्शक लोगों को? ये अपने एरिया के लिए बहुत बड़े फेमस है, जैसे रांची में होता है, बस्तर होता है, और अपना इधर रायगढ़ होता है, बिलासपुर होता है, तो अपने सूर्यनारायण के जो क्षेत्र है उसमें बेटर है, सबसे स्पेशल है।